देखिए, इससे पहले हम लोगों ने परचेस साइकिल कर रखा है, उसके बाद इन्वेंटरी में हमने स्टॉक ट्रांसफर का केस देखा था, स्टॉक ट्रांसफर हो गया, उसके बाद हमने गुड्स रिसीव का केस देखा। अब आज हम लोग देखेंगे कि सेल साइकिल में जो होता है वो क्या क्या होता है और कैसे हम ट्रांजेक्शन इसमें करते हैं सेल साइकिल में, उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे आपने परचेज साइकिल में देखा था, आपका परचेज एग्रीमेंट था, परचेज कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, उसके बाद आपका एआर इनवॉइस, और फिर आपका क्या था, आउट गोइंग पेमेंट था। सिमिलरली सेल्स साइकिल में क्या होगा, सेल्स ब्लैंकेट एग्रीमेंट, सेल्स कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, उसके बाद आपका डिलीवरी, देन आपका एआर इनवॉइस, और इस केस में क्या होगा, इनकमिंग पेमेंट होगा। कस्टमर को कोई चीज सेल करते हैं, कोई चीज हम उसको बेच रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा रिवेन्यू जनरेट होगा, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को अर्निंग होगा, पैसे आएंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या चलता था, इनकमिंग पेमेंट चलता है। जबकि परचेज साइकिल में क्या था, हम वेंडर को कोई चीज, वेंडर से हम परचेज कर रहे हैं, तो जब हम सामान लेते थे तो उसके बिहाफ पे हम क्या करते थे, उसको पेमेंट करते थे, तो हमारे बैंक अकाउंट से क्या होगा, उसको पैसे जाते थे, तो आउटगोइंग पेमेंट होता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैंकेट एग्रीमेंट। ब्लैंकेट एग्रीमेंट कहाँ यूज होता है, सपोज दैट आपका कोई कस्टमर है, उस कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट दिया कि हमें ये चीजें रिक्वायर्ड है। जैसे आपने परचेस साइकिल में देखा था कि आपने आपके इंटरनल परचेज रिक्वेस्ट आया, उस परचेज रिक्वेस्ट के बिहार पर क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट आपको भेजेगा कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या फिर बोलेगा कि ये चीजें मुझे चाहिए, कोटेशन भेजो, तो आप भेजें, आपको जो भेजेगा कोटेशन, तो ये सेल्स कोटेशन पे हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, जो भी कोटेशन आएगा उस पे, अब उस सेल्स कोटेशन को फाइनल एनालिसिस के बाद जब किसी आप पार्टिकुलर कस्टमर से डील करेंगे, तो एक एग्रीमेंट बनेगा। क्या एग्रीमेंट बनेगा, कि पार्टिकुलर क्वांटिटी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक आप इतने क्वांटिटी आप हमसे लेंगे। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट जो कराता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेल्स ब्लैंकेट एग्रीमेंट कहलाता है। मतलब कि 6 महीने तक आप दिस मच, माने इतना लाख आइटम आप हमसे ये खरीदेंगे, तो वो चीजें एक पार्टिकुलर एग्रीमेंट बनता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करता है कि कस्टमर और क्लाइंट, जो आपका कंपनी है और कस्टमर है, उसके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप एग्रीमेंट यूज कर रहे हैं नहीं यूज कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो इस केस में होता, नहीं यूज कर रहे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे उसको पहले देखते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी भी स्कीम को खोलते हैं, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आता क्या है, आपको आता है फाइंडिंग मोड में। ये जो आप ऑरेंज कलर का दिख रहे हैं, ये क्या है, फाइंडिंग मोड। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, तो ये एडिट मोड में। ठीक सर है, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने शेयर ही नहीं किया, कोई बोल भी नहीं रहा है, सुने जा रहे हैं सभी लोग। इंतजार कर रहे कि अब स्क्रीन आएगा। नहीं, कोई नहीं, अभी मैं शेयर किया था, उसमें शेयर ही नहीं किया था, मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया और क्लास शुरू कर दिया। अब ये विजिबल है, हाँ हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ ठीक है, चलिए। तो ब्लैंकेट एग्रीमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपको ओपन होके आएगा। ठीक है, अब इस ब्लैंकेट एग्रीमेंट को बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये क्या आपका भी फाइंडिंग मोड में है, आप कंट्रोल प्लस ए बटन जब डालेंगे तो ये क्या होगा, एडिट बटन मोड में आएगा। एडिट मोड में आएगा, सबसे पहले आप देखें क्या है, बीपी कोड, जिस पार्टी के साथ, जो भी आपका कस्टमर है, जिसके साथ आपका सेल्स एग्रीमेंट बनना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस कस्टमर का आप कोड सिलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मैंने ये कोड उसका बना रखा है, ये हमारा पार्टी है जितेंद्र कुमार। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, जैसे ही हमने कोड सिलेक्ट किया, उसका नेम लिख के आ गया, हमने पहले मतलब मास्टर डेटा बना रखा है। ठीक है, कोई कांटेक्ट पर्सन अगर होता तो अपने यहाँ पर, अगर सपोज दैट इस एग्रीमेंट का कोई आपका कस्टमर रिफरेंस नंबर है, या कोई उस पार्टी का जो आपका कस्टमर है उसने कोई रिफरेंस नंबर दे रखा है, तो आप यहाँ पे उसको कैप्चर कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हमने मान लिया कि कस्टमर सी यू, ठीक है, ये दे रखा है हमें एक रिफरेंस नंबर कि सी यू डैश 100000, ठीक है, 40-21 2 कितना हो गया, 22
-23 इस तरह से हमें कुछ रेफरेंस दे रखा है तो वो हम इसमें डाल देंगे। अब ये पूछ रहा है एग्रीमेंट मेथड क्या है, आइटम मेथड है, डिफरेंट तरह के मेथड है, मॉनेटरी मेथड है या आइटम्स मेथड है। तो हम आप दो तरह के वैल्यू हो जाएगी, एक क्वांटिटी होगा कि इतना क्वांटिटी हमें चाहिए, या ये हो सकता है कि हम इतना अमाउंट का एक मनी बताएगा कि इतने तक आपसे परचेज करेंगे। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आइटम मेथड है, ठीक है। इन डिजिट मान लिया हमने कि 6 मंथ का है, हम इस पे डाल देंगे कि ये जनवरी है तो 6 मंथ क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा, तो अप टू जून तक का हमारा एग्रीमेंट है। तो ये डाल देंगे कि इंड होगा कितना, जून में होगा। अगर इसका ये जो आप इस कस्टमर से सेल कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट के अंडर में हो रहा है तो आप कोई प्रोजेक्ट बना के आप इसमें डाल सकते हैं। नया बनाना है तो न्यू पे आएंगे ऑप्शन, वहां पे न्यू प्रोजेक्ट बना लीजिए। नहीं अगर आपको पहले से बना हुआ तो उसमें से सिलेक्ट करते हैं, नहीं अगर प्रोजेक्ट के अंदर है तो आप इसको हटा सकते हैं, यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन आप साइनिंग डेट क्या है, किस डेट में साइनिंग हुआ है, तो आज का डेट डालना चाहते हैं या 2 दिन बाद है तो वो डेट आप डालिए। कुछ डिस्क्रिप्शन आपको डालना है ABCD या कुछ भी, तो जो भी डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को आप इसमें डाल दें, ठीक है। एग्रीमेंट टाइप क्या है, तो दो तरह के, स्पेसिफिक है या जनरल है, ठीक है। तो स्पेसिफिक जब कंपनी के कहते हैं तो जनरल ही चलता है, स्पेसिफिक कुछ होता नहीं है। स्पेसिफिक इसलिए दे रखा है कि इंडिविजुअल केस होगा तो उस केस में होता है, ठीक है। यह है, उसके बाद आप यहाँ पे पूछेंगे पेमेंट टर्म, कोई कंडीशन इसमें अगर चल रहा है जैसे हमारी कंपनी में चलती है तो ये पेमेंट टर्म भी चलता है, और दूसरा ये 50% वाला भी चलता है, 50% एडवांस 50% ऑन डिलीवरी जनरली ये चलता है। तो हम ये पेमेंट टर्म इसमें डाल देते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड कोई आप यूज करना चाहते हैं तो आप पेमेंट मेथड अगर आपने बना रखा होता तो यहाँ पे दिखाता, हमने कुछ बनाया नहीं है। शिपिंग टाइप बाय रोड बाय ट्रांसपोर्ट, या फिर कुछ नया नोट डालना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से डिफाइंड कर सकते हैं, ये सब ऑप्शनल, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑनर, कोई ऑनर है अगर आप नाम बना रखे हैं, नहीं है नया बनाना चाहते तो नया भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद इतना जब आप चीजें भर दिए तब आप इसको रिन्यूअल अगर आगे करना है तो आप उस केस में रिन्यू करिए, या फिर आप आगे चल के 6 महीने के बाद फिर इसको एक्सटेंड करना चाहेंगे तो इसी डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे, फिर आप डेट चेंज कर देंगे कब तक वैलिड है कब तक, और उसके बाद इसको रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे तो ये रिन्यू हो जाएगा, कोई चीज आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या है, स्टेटस भी बताता हूँ। ये अभी ड्राफ्ट मोड में बन रहा है, फाइनल जब अप्रूव करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ अप्रूवल लगता है तो ये अभी ड्राफ्ट मोड में है, फाइनल डॉक्यूमेंट अभी नहीं बनेगा तो वो बता रहा हूँ अभी आएंगे तो। अब यहाँ पे रहा कि जो हमारी आइटम बेस जो ये एग्रीमेंट बन रहा है कौन सा आइटम है क्या क्या आइटम है, तो हम उस आइटम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि भैया ये हमारा आइटम है और ये आइटम है, ये आइटम है और ये आइटम है जिसके लिए हम एग्रीमेंट उसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे आइटम हमने सेलेक्ट कर लिए, ये सारे आइटम है। अब प्लान क्वांटिटी कितना है तो सपोज दैट इसको बोल दिया 10 है, इसको बोल दिया 15 है, 6 महीने में हम इतने लेंगे, अभी हम कम दिखा रहे हैं, आप 6 महीने में तो ज्यादा लेगा लेकिन एक आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी क्वांटिटी होगा उसका प्लान क्वांटिटी कहने का मतलब जो एग्रीमेंट बन रहा है 6 मंथ का कि 10 लाख या 10 पीस हमको चाहिए तो वही चीजें हम इसमें डालते हैं, ठीक है। उसकी जो भी यूनिट प्राइस हम एग्रीमेंट पे साइन करेंगे उस प्राइस को डाल देंगे कि 120, ये हो गया हमारा 100, इस तरह से हम डाल देंगे जो भी उसका अमाउंट होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। अब इतना डालने के बाद आप इसे देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये फिल हो चुका है, प्रोजेक्ट अगर डालते तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट कुछ और आपको डिस्क्रिप्शन आइटम वाइज डालना है तो फ्री टेक्स्ट जो दे रखा है इसको आप यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ न्यू डिस्क्रिप्शन आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ताकि आपको अगर जरूरत है तो, नहीं जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं, आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे डॉक्यूमेंट्स पे, सपोज दैट आपको कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें फेचअप करना है, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट नंबर पोस्टिंग डेट आइटम ये सब, तो अगर आपको एड करना है तो उस केस के लिए है आपको यहाँ से अटैच करने होंगे, ये जो है ना ये ब्रोज करके आप यहाँ पे अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखा है, रिकरिंग ट्रांजेक्शन आपका वो आपके क्या है पार्ट जो होगा उसके लिए अगर कुछ टेम्पलेट आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बना के आप उसको डिफाइंड कर सकते हैं कि भाई
रिकरिंग ट्रांजेक्शन इंस्टॉलमेंट वाले जो भी जिस तरह से आप बनाएंगे रिकरिंग ट्रांजेक्शन उस हिसाब से इसका पेमेंट बनेगा। सपोज दैट अगर 2 करोड़ का आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो उसका आप डाल सकते हैं कंडीशन कि कितने टाइम में आपको वो पेमेंट आएगा, क्या आएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि ये क्या है ड्राफ्ट। अगर अभी आप इसको एड करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका ड्राफ्ट फॉर्म में ही बनेगा। जैसे ही हमने एड किया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, अभी डॉक्यूमेंट जस्ट वॉल किया, अभी अप्रूव नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट्स बन तो गया, देखिए ऑपरेशन कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं, ये देखिए यही डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया था, अभी क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है। ड्राफ्ट फॉर्म कहने का मतलब कि ये डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं सिर्फ आपने क्या, जो यूजर है, यूजर ने क्या किया, अपना डेटा डाल दिया कि ये एग्रीमेंट बनना है। अब ये ड्राफ्ट कहाँ जाएगा, हायर अथॉरिटी के पास जाएगा ये डॉक्यूमेंट्स। जब अप्रूवल लग जाएगा तो वो कुछ नहीं करेगा, जैसे ही वो यहाँ पे डालेगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, हायर अथॉरिटी। कैसे अप्रूवल लगता है ये आपको बाद में बताएंगे, ये अप्रूवल कैसे लगता है और कैसे अप्रूव होगा वो चीजें दिखाएंगे। तो जैसे ही सपोज दैट कि ए यूजर है, वो क्या कर रहा है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स, ये एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बना रहा है, वो सारा ये सारी चीजें फिल कर देगा और उसके बाद वो एड कर देगा, उसका काम खत्म हो गया। जैसे ही वो एड करेगा ये चला जाएगा किसके पास, जो हायर अथॉरिटी है उसके पास जाएगा और ये मैसेज यहाँ पे पॉपअप होगा कि भाई आप इसका अप्रूव करो। अब हायर अथॉरिटी क्या करेगा, इस ब्लैंकेट एग्रीमेंट को प्रॉपरली से चेक करेगा कि सारे टर्म कंडीशन इसमें फुलफिल हुए या नहीं हुए है, उसके बाद वो क्या करेगा, अप्रूव करेगा। अप्रूव करेगा तो फिर क्या आ जाएगा, यूजर के पास जो बनाया उसके पास आएगा, वो फिर से एड करेगा, तब जाकर फाइनल डॉक्यूमेंट्स बनेगा। लेकिन यहाँ पे अप्रूवल नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही लाइसेंस है तो हम यहाँ पे आए, अप्रूव्ड क्लिक करेंगे। देखिए ये सब क्या हो गया, सोलिड हो गया। जब तक हमने अप्रूव नहीं किया था ये सब अभी चेंजेबल था, आप चेंज कर सकते थे ड्राफ्ट मोड में, लेकिन एक बार जैसे ही अप्रूवल हो गया और तब जब आप चेंज करने अप्रूव कर देंगे तो डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, तो अप्रूव नहीं होगा। अब ये अप्रूव जैसे ही किया ये सारे चीजें सोलिड हो गया, अब ये एड हुआ, अपडेट हुआ, अब जाके हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एग्रीमेंट बन गया, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए एग्रीमेंट बन गया। अब यहां से देखिए, जैसे ही हमारा एग्रीमेंट कब बना, जब हमें कोटेशन जो हमने भेजा था, जितने भी हमारे जो हमारा कस्टमर था उसने रिक्वायरमेंट भेजा, उस रिक्वायरमेंट के बेस पे हमने कोटेशन भेजा, फाइनल कोटेशन जब उसने एनालिसिस किया और हमें सिलेक्ट किया कि हमसे उसको परचेजिंग करनी है, तब जाके ये हमारा एग्रीमेंट बना है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट बन गया। अब इस एग्रीमेंट के बनने के बाद, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट बनने से पहले हमारा क्या होता, कोटेशन बनता, जो भी कोटेशन है हमारा वो कोटेशन बनता, लेकिन अब तो एग्रीमेंट बन गया तो कोटेशन के कोटेशन जैसे आपने परचेज बनाया सिमिलरली इसमें भी कोटेशन बनता है। उसी तरह से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन, ठीक है, ये यहाँ पे आइटम डालेंगे, जैसे परचेज बनाया था सेम उसी तरह से यहाँ कोटेशन बनेगा। क्लियर, अब आते हैं हम लोग, जब एग्रीमेंट हो गया एग्रीमेंट के बाद बनता है सेल्स ऑर्डर। भाई अब एग्रीमेंट हो गया, जो एग्रीमेंट बना है उस एग्रीमेंट से अब हम क्या करेंगे, मटेरियल भेजना शुरू करेंगे, किसको, कस्टमर को। जो हमारा एग्रीमेंट शुरू हो गया, अब हम मटेरियल उसको लॉट वाइज भेजना शुरू करेंगे कि भाई इस महीने में इतना भेजेंगे, इस महीने में इतना भेजेंगे, इस महीने में इतना प्रोडक्शन करके भेजेंगे, वो हमारा क्या होगा, जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेल्स ऑर्डर बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर सेल करेंगे। कौन सा कस्टमर, वही कस्टमर जिसका आपने एग्रीमेंट बनाया था। तो ये था हमारा कस्टमर CU001, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पे आएंगे ड्रॉप डाउन में, कॉपी फॉर्म किससे चलेगा, आपका सेल्स एग्रीमेंट से चलेगा, ये एग्रीमेंट हमने अभी बनाया था। ठीक है, इस एग्रीमेंट को हमने चूज कर लिया। चूज करने के बाद अब इसमें देखिए, अब आप बोलेंगे कि क्या जितने भी एग्रीमेंट सब एक ही बार चला जाएगा का, नहीं, अगर आप चाहे तो पार्ट में भी आप सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं, या चाहे तो आप टोटल भी बना, क्योंकि सेल्स ऑर्डर क्या है, एक ऑर्डर बनना है मेन, तो स्टार्ट हुआ आपका डिलीवरी से सामान जाना। ठीक है, तो आप सेल्स ऑर्डर चाहे तो एक ही बार में बना लीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग में। नहीं, अगर आप स्लॉट में बनाना चाहते हैं कि भाई जनवरी मंथ का अभी बनेगा, फिर फरवरी का अगले महीने बनेगा, फिर मार्च का उस तरह से, अगर उस तरह से बना तो आप क्या करेंगे, इस कस्टमाइज पे आएंगे। कस्टमाइज करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो अब क्या हुआ, ये जितने भी आइटम्स हैं ये सारे लॉट में खुलेगा, ये प्लान क्वांटिटी है।
अब हमें ऑर्डर जो बनानी है हम इसको चेंज करेंगे, सो दैट ये 10 का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, चेंज करेंगे यहाँ पे, ये जो 5 आइटम था इसमें से हमें 3 आइटम का ही या एक ही आइटम का हमें ऑर्डर बनाना, ठीक है। जैसे ये एक आइटम है, इसी एक आइटम का हमें ऑर्डर बनाना है इस महीने में, दो आइटम का बनाना है, या जितने आइटम का होगा आप उतने आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि सारे का बनाना है तो सारे को सिलेक्ट कर लीजिए एक ही बार में, ठीक है। कस्टमाइज में मतलब ये ऑप्शन मिलेंगे आपको कि कितने आइटम्स का ऑर्डर आपको तैयार करना है, ठीक है। जैसे अगर 10 आइटम थे तो 10 में से 10 का बना सकते हैं, 10 में से एक का भी बना सकते हैं, दो का भी बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। अब आपने सिलेक्ट किया, अब फिनिश करेंगे। अब आप बोले कि 10 आइटम तो हमने सिलेक्ट कर लिया या 5 आइटम सिलेक्ट कर लिया, एक आइटम सिलेक्ट कर, लेकिन हमें 10 के 10 का नहीं बनाना है, अब हमें बनाना है 5 का ही बनाना है। जैसे ये फर्स्ट आइटम है ना, इसके 10 क्वांटिटी नहीं जी, हमें ऑर्डर अभी 5 का है, तो आप यहाँ पे 5 चेंज कर दिए। ये 15 था तो अभी 10 का बनाना है, या फिर 5 ही का बनाना है, या 2 का बनाना है। अब ये ऑर्डर था ये 12 का था, ये हमें 4 बनाने हैं। ये ऑर्डर था हमारे 10 का था, ये अभी ऑर्डर जो बनेगा ये 5 का बनेगा, और ये 10 का था ये ऑर्डर जो बनेगा 6 का बनेगा। अगर आपको होल सब जैसे है वो सही बना दो तो कोई इशू नहीं है, आपने किया यूनिट प्राइस डाले अपने आप है सो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको चेंज करना है एज पर द कोटेशन, कोटेशन था दिस मच का, 5000 का, इस महीने में हम 1000 का ही ऑर्डर बनाएंगे, तो उस केस के लिए ये करना है, ठीक है। अब आप उसकी यूनिट प्राइस डाल देंगे कि कितना यूनिट प्राइस है, तो जो भी यूनिट प्राइस है आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। आपका जो एग्रीमेंट पे पड़ा हुआ था उसी के हिसाब से अगर डालना है तो उसी हिसाब से डालिए, नहीं अगर आपको नया चेंज करना है तो नए के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर एग्रीमेंट वाला प्राइस चाहिए तो उसको भी आप चेंज करके ला सकते हैं, लेकिन ऑर्डर पे आप प्राइस को चेंज कर सकते हैं, यहां तक ओपन रहता है। एक बार ऑर्डर बन जाएगा तो आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, बट जनरली क्या होता है इन द कंपनी, जब आपका सेल्स एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है तो उसके बाद प्राइस चेंज नहीं होता है, वही फिक्स हो जाता है। कमिंग 6 मंथ के लिए अगर एग्रीमेंट बनाया है तो फिक्स हो जाएगा, आफ्टर 6 मंथ क्या होगा वो चेंज होगा, रिन्यू होगा, भाई इतना के हिसाब से ये रेट 2% 3% जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगता है वो लग के तब जाके हो, ठीक है। तो वो या तो उस प्राइस पे ही बना सकते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब इस पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई कौन सा टैक्स लग रहा है। तो ये जो है आपका स्टेट वाला है, आपका कॉम्बिनेशन वाला SGST CGST, वो टैक्स हम इस पे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जितेंद्र कुमार जो है मुजफ्फरनगर का कस्टमर है, तो ये सेम स्टेट में है, तो इसीलिए हमने इस पे क्या किया है, ये टैक्स लगाया है। देखने में तो आपको IGST लग रहा है, शायद ये IGST ही है, नहीं जाने देगा, ये IGST है। हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, सेम स्टेट का है तो हमें लगाना पड़ेगा इसमें CGST SGST 12%। 12% क्यों? क्योंकि सोलर के जितने भी सामान होते हैं उस पर 12% ही टैक्स लगते हैं, इसीलिए मैं इस पर 12% लगा रहा हूँ। ये क्या है, इन्वर्टर है, ये 12% के केस में आता है। ये भी क्या है आपका, इन्वर्टर ही है। ये भी आपका क्या है, इन्वर्टर है। ये आपका नेट मीटरिंग है, नेट मीटरिंग जो मीटर लगता है वो भी 12% में आता है। चार्ज कंट्रोलर ये भी 12% में आता है, तो ये हमने टैक्स लगा दिया इस पर, ठीक है। अब ये वेयर हाउस कौन सा है, जिस वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो आपको दिखा रहा है ये रॉ मटेरियल वेयर हाउस, लेकिन आप इसकी स्टॉक देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा क्या तरीका है, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसमें आने के बाद टेबल फॉर्मेट देख रहे हैं, इसमें आप लिखिए इन स्टॉक, तो अभी इसकी इन स्टॉक क्वांटिटी कितनी है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ये इसको इसको क्लिक कर दीजिए, ये सिर्फ विजुअल, इस पर क्लिक किया, ये आपको अब क्या दिखाएगा कि इन स्टॉक क्वांटिटी देखिए, ये नहीं है आपका, ये वाला जो दिख रहा है इसकी स्टॉक नहीं है। तो डिलीवरी करने ऑर्डर तो बन जाएगा, लेकिन डिलीवरी करने से पहले इसकी स्टॉकिंग करनी होगी। क्यों? क्यों? तो सबसे पहले हम ऑर्डर बना लेते हैं, क्यों करनी पड़ेगी ये चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। कि डिलीवरी करने से पहले हमें स्टॉकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट नंबर दे रहा है, ये जो ऑर्डर बन रहा है किस ब्लैंकेट एग्रीमेंट पे, जो हमने अभी ब्लैंकेट एग्रीमेंट से फेच किया था डेटा को, उस ब्लैंकेट एग्रीमेंट का अगर आप नंबर देखेंगे तो 16 नंबर, ये देखिए 16 नंबर है आपका ब्लैंकेट एग्रीमेंट नंबर। यहाँ भी देखेंगे तो क्या है, वो 16 नंबर को ला रहा है। बेस डॉक्यूमेंट क्या है, ये ब्लैंकेट एग्रीमेंट है। ये क्या है, सभी आइटम का HSN कोड है, ठीक है। तो ये सारे डेटा आपका भर गया। अब क्या करेंगे हम इसको, अगर कोई रेफरेंस डिलीवरी डेट इस पे डालेंगे कि कब का डिलीवरी डेट है,
तो हम उसका डिलीवरी डेट डाल रहे, जो कि आज ही हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम आज डाल रहे हैं। आपका जो भी कंडीशन होगा कि आज ऑर्डर बनेगा, अगर परसों जाएगा परसों या जितने दिन के बाद जाएगा वो डेट आप डालेंगे, डिलीवरी डेट डालेंगे। ये हमने कस्टमाइज कर रखा है प्लांट कैपेसिटी, क्योंकि इसमें फील्ड नहीं था तो हमारा सोलर का जो बनता है उसमें प्लांट कैपेसिटी डालना पड़ता है कि कितने किलोवाट का सिस्टम है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है या ऑन ग्रिड सिस्टम है। तो ये कस्टमाइज पार्ट बना हुआ है, कैसे कस्टमाइज पार्ट बनता है यूडीएफ वगैरह, ये आगे की क्लास की चीजें है, वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो उसमें इसमें हम डाल देते हैं जैसे कि 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड, जो भी हम डालेंगे वो चीजें हमारा क्या होता है वो सेव हो जाता है। तो इस तरह से करने के बाद हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सेल्स ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेल्स ऑर्डर बन, यहाँ पे देखिए अभी राउंडिंग राउंड अप हो रखा है, ये देख रहे हैं ये राउंड अप है, यहाँ पे 80 पैसा जो था वो राउंड अप 20 पैसे। अगर आप इस राउंड अप को नहीं लगाना चाहते, हटाना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, ये हटा दीजिए और टैप कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा राउंड अप वैल्यू उठ के आ जाएगा, जो आपका वैल्यू राउंड अप हो गया था वो 80 पैसे इसमें इंक्लूड होके आ जाएगा, ठीक है। तो अगर राउंड अप आप लगाना चाहते तो इसको हटा दीजिए, अपने आप ही राउंड अप लग जाएगा। ये इस तरह से काम चलता है, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए रिमार्क में अपने आप आ गया कि ये इसका बेस डॉक्यूमेंट कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है, ब्लैंकेट एग्रीमेंट से ये बन रहा है, तो ये अपने आप आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर कोई चीज और भी डालना, जैसे यहाँ पे कस्टमर रिफरेंस नंबर कुछ डालना है कि किसी पार्टिकुलर कस्टमर का है, तो उसके शॉर्ट नेम से आप याद रखने के लिए डालना चाहते हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज इस तरह का डालना है तो आप डाल सकते हैं। ये क्या है लॉजिस्टिक, ये शिप टू और बिल टू एड्रेस है, जो भी इस कस्टमर पे सेव होगा वो शिप टू बिल टू एड्रेस है। इसमें ज्यादा एड्रेस मैंने डाले नहीं है, इसीलिए इतना कम दिख रहा है, अगर पूरा एड्रेस डालेंगे तो पूरा एड्रेस इसमें आएगा। ये आपका क्या है, ये आपका दिखा रहा है जनरल रिमार्क, जो सेल्स ऑर्डर बन रहा है उसका, ये आपका पेमेंट ऑर्डर है, पेमेंट मेथड क्या है, अगर आप यहाँ पे बनाए रखते, हमने नहीं बनाया कैसे देखने नहीं देख रहा है, ठीक है। मैनुअल रिकैंसिलेशन, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कब रिकैंसिलेशन करेंगे, अकाउंट वाले जानते हैं, तो मंथ के एंड पे, हाफ मंथ के एंड पे या मंथ स्टार्ट पे वो अगर डालेंगे तो वो आपका रिकैंसिलेशन का पॉपअप आएगा, तो आप रिकैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर डायरेक्ट बिल से पेमेंट से होगा तो सिस्टम अपने आप रिकैंसिलेशन कर देगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो शिफ्ट गुड, अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये टैक्स है, टैक्स इन्फॉर्मेशन होगा आपके पार्टी का, उसमें उसका पैन नंबर, जीएसटी नंबर एक्सेट्रा जो भी है वो चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको ट्रांजेक्शन कैटेगरी, ट्रांजेक्शन की कैटेगरी है वो क्या है, फॉर्म सी, ये सब इसमें से आप नया है तो उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ड्यूटी स्टेटस क्या है, विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी है या फिर विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी है, तो ये कोई ऑप्शन लग रहा है तो वो आप कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट का है तो एक्सपोर्ट केस में आप इसको करके, पोर्ट कोड क्या है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर क्या है, बिल ऑफ, तो ये सब चीजें अगर एक्सपोर्ट का बाहर जा रही है, कोई बाहर का है पार्टी जिसको आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए है, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है तो यहाँ से आप उसको अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से क्या करेंगे, जब भी आप करेंगे, अब देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है। अब जो टैक्स जो लगेगा, जैसे ये प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश कहाँ से उठाया, जो ये कंपनी है, जो ये सप्लाई कर रही है कंपनी अपने कस्टमर को, उसका लोकेशन ले रहा है, और ये जो कस्टमर है उसका जो लॉजिस्टिक एड्रेस है उसका एड्रेस लेगा कहाँ का, आपका शिप टू का या बिल टू का। तो ये दोनों अगर सेम स्टेट में होगा तो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी जाएगा, अगर ये दोनों अलग अलग स्टेट में होगा तो आईजीएसटी उठ के आएगा, ठीक है। तो हम इसको एड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन हमारा कोटेशन क्वांटिटी क्या था, कोटेशन क्वांटिटी ज्यादा था, तो उस कोटेशन में जितना का ऑर्डर बन जाएगा उसके अलावा जो क्वांटिटी बचेगा वो ऑलरेडी कोटेशन में हमारा स्टैंडिंग रहेगा, और जैसे जैसे हम ऑर्डर बनाते जाएंगे वो क्वांटिटी कम होता जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा कोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, डील हो जाएगा कोटेशन, ठीक है। तो अब हम इसको एड करते हैं तो हमारा सेल्स ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए हमारा सेल्स ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब सेल्स ऑर्डर जब बन गया, ऑर्डर आपने बना दिया, पहले कोटेशन बना, फिर आपने ऑर्डर बना लिया, ऑर्डर बनाने के बाद कहां जाएगा, डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कि आप मटेरियल डिस्पैच करेंगे कस्टमर को, भाई अब ऑर्डर बन गया है, अब उसको डिस्पैच करना है, ठीक है। तो डिलीवरी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीवरी डिस्पैच इसको बोलते हैं, यहाँ पे आएंगे। उसी तरह से जैसा एक सिंपल तरीका है, आप कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, उस पार्टिकुलर कस्टमर को, इसी पार्टिकुलर कस्टमर को लिया, और लेने के बाद हम क्या करेंगे,
फेचअप करेंगे डेटा कहाँ से, उस पार्टिकुलर ऑर्डर से, सेल्स ऑर्डर से, सेल्स ऑर्डर ये हमारा उठ के आया। अगर टोटल का टोटल डेटा चाहिए तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप, यहाँ पे ड्रॉ ऑल डाटा, सारे डेटा आ जाएंगे। नहीं अगर उस ऑर्डर में से कस्टमाइज करना है, जैसे शेड्यूलिंग करनी है कि 5 क्वांटिटी था, एक ही क्वांटिटी को आज डिलीवरी करना है, 10 दिन के बाद फिर 2 क्वांटिटी करनी है, तो उस केस में कस्टमाइज केस में आएंगे, जैसे अभी हमने कोटेशन में देखा था। नहीं अगर सारे ही आइटम को आपको भेजना है तो यहाँ पे लेंगे और इसको क्या कर देंगे, फिनिश करेंगे। जैसे यहाँ फिनिश करेंगे तो ये पूछेगा, ये पूछ रहा है कि द सिस्टम डिटरमाइंस ए न्यू टेक्स्ट कोड रो, ठीक है, क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसको बोल दीजिए नहीं, क्योंकि हमने टेक्स्ट क्या कर रखा है, ऑलरेडी डिफाइंड कर रखा है, ठीक है, नॉट टू ऑल, ये आ गया। तो ये हमारा सारा क्वांटिटी आ गया। अब यहाँ पे अगर सपोज दैट ये जो ऑर्डर क्वांटिटी था उसमें से ये आपका 5 आइटम है, 3 ही आइटम आपको चाहिए होता तो कस्टमाइज करके जाना था। नहीं अगर आपको 5 क्वांटिटी चाहिए तो आप डायरेक्ट चले आए, अभी भी आप चाहें तो इसमें से क्वांटिटी को हटा सकते हैं। कहाँ से, राइट क्लिक करके डिलीट हो इसमें से क्वांटिटी को, कोई अगर आइटम आपको नहीं अभी ऑर्डर में डिलीवरी करना है, आपके पास जैसे 5 आइटम उस ऑर्डर में है और आपके पास अभी इन प्रेजेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है आप 3 ही आइटम सप्लाई करने सक्षम है, तो आप इसमें से क्या करिए, 2 आइटम को आप रो को डिलीट मार दीजिए, तो रिमेनिंग 3 ही जाएगा, बाकी 2 आपका नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह से डेटा आ गया, आपको कुछ चेंज करना है तो कीजिए, नहीं चेंज करना है तो ये आपको जाने नहीं देगा। ये देखिए ये स्टॉक क्वांटिटी कितनी है इसकी, नील है। तो जब आपके पास भाई साहब 5 रुपये पॉकेट में है नहीं, और जाइएगा मूवी देखने के लिए मॉल में, तो क्या करेगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए तब तो टिकट मिलेगा। तो आपके पास है कुछ नहीं और आप सेल किए जा रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस आइटम की स्टॉकिंग करनी पड़ेगी, ये आइटम आपको लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस आइटम को राइट क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, तो वो आइटम हट गया। अगर आप उस आइटम को रखते हुए ऐड करते तो आपको नीचे में रेड कलर का एरर लिख के आता, नेगेटिव इन्वेंटरी का एरर लिख के आता कि भैया आपके इन्वेंटरी में है नहीं, आपके वेयरहाउस में सामान है नहीं, आप कैसे डिलीवरी करोगे, या आपको डिलीवरी नहीं करने देता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उस आइटम को हटा दिया, हमारा 5, 2, 5 ये हमने डिलीवरी करने हैं और हमारे इन स्टॉक कितना है, 99 नॉन, बहुत सारे आइटम हैं, तो हम इसको डिलीवरी इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम इजिली इसको ऐड कर देंगे तो हमारा डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगा। क्वांटिटी फॉल्स इनटू नेगेटिव इन्वेंटरी, देखिए अभी भी नेगेटिव इन्वेंटरी बोल रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ तो इन स्टॉक 385 दिखा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव इन्वेंटरी क्यों दिखा रहा है। देखिए मेन जो होता है सैप का सपोर्ट यहीं पे आता है, यूजर क्या इतना जानता है कि ऐसे बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब वो ट्रांजेक्शन करने जाता है तो इस तरह के एरर जब लिख आता तो उसके दिमाग नहीं काम करता कि यार यहाँ तो मुझे दिखा रहा है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे। तो आप क्या कीजिए, उस आइटम के स्टॉक को चेक कीजिए, ये आइटम है आपका, ये है आपका बिल ऑफ मटेरियल बना हुआ है बॉम्ब का, ये क्या होता है आगे बताएंगे आपको। ये स्टॉक डेटा में देखिए कि ये एक्चुअल में है किसमें, ये एक्चुअल में है आपका FG वेयर हाउस में, और आप इशू किससे कर रहे हैं, RM वेयर हाउस से। RM वेयर हाउस में जरा देखिए कितने हैं, RM वेयर हाउस में भाई साहब नील है, तो स्टॉक में तो है 385, वो डेटा सही है कि भाई 385 इन स्टॉक है, लेकिन एक्चुअल में किसमें है, FG वेयर हाउस में है, RM वेयर हाउस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यूजर को बोलेंगे कि भैया तू रहने दे, तुमसे ना होगा, और इस वेयर हाउस को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, FG वेयर हाउस में। यूजर बेचारा खुश, मेरा तो प्रॉब्लम इसने दूर कर दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे FG वेयर हाउस कर दिया। अब जैसे आप उसको एड करने से पहले आप क्या कीजिए, इसका जनरल एंट्री चेक कीजिए, अगर जनरल एंट्री प्रॉपरली ओपन हो रहा है, इसके मतलब समझिए कि आपका काम ओके है, ठीक है, आपका काम ओके है, वो इन आपका होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपके यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, ठीक है, जो मटेरियल है वो जा रहा है, तो आपका स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, हमारे यहाँ से मटेरियल क्या कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है। और इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि जो
कितने का आपने आइटम सोल्ड किया, जो फिनिश जो सैंपलिंग अकाउंट होता है फिनिश गुड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि इतना जो ये स्टॉक निकला है उसका वैल्यू ये था, ठीक है। तो ये वैल्यू आइटम तो निकला, तो मेटेरियल तो निकला, लेकिन एट द सेम टाइम पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी वैल्यू है, तो उससे क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इसने डेबिट कर दिया, ठीक है। पहले भी मैंने बता रखा है कि जब भी अकाउंटिंग, आप लोग तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो इन पैरेलल क्रेडिट और डेबिट चलता ही चलता है। तो एक्चुअल में निकल क्या रहा है, हमारा रॉ मटेरियल जा रहा है वेयर हाउस से, ठीक है। तो जो जा रहा है वो क्रेडिट हो गया, और किसके बिहाफ पे जा रहा है, क्योंकि इतने दिस मच अमाउंट का मटेरियल हमारा गया है, तो अकाउंट में क्या हो जाएगा, इतना अमाउंट डेबिट होगा। अब यही अमाउंट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सोल्ड हुआ है, यही अमाउंट कहाँ जाएगा, जब बिल बनेगा तो यहाँ डेबिट हुआ है, वहां क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डेबिट और आपका एआर इनवॉइस जब बनेगा उस पे क्रेडिट, तो दोनों क्या करेगा, बैलेंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सेटलिंग अकाउंट चल रहा है कहाँ पे, डिलीवरी पे ये डेबिट हुआ है और आपका एआर इनवॉइस पे जाके क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो वहां पे जाके ये अकाउंट क्या होगा, नलीफाइड हो जाएगा। तो ये सैंपलिंग अकाउंट इसको बोलते हैं, चलता है। तो ये है, तो ये आपका जनरल एंट्री, जनरल एंट्री पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, परचेज में एमआरएन और सेल्स के केस में डिलीवरी, यहीं से आपका सेल्स के केस में डिलीवरी से ही स्टार्ट होता है आपका ये अकाउंटिंग इम्पेक्ट जो जाता है, आपका यहीं से जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको एड करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम इसको एड करें। अब देखिए ये बता रहा है यहाँ पे रिमार्क में अपने आप है कि ये बेस डॉक्यूमेंट क्या है, ब्लैंकेट एग्रीमेंट इतना एंड सेंस ऑर्डर 23, दोनों इसके बेस डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपने जैसे ही यस किया, अब देखिए ये आपका एड हो गया, ये आपका डिलीवरी हो गया, डिलीवरी मतलब डिस्पैच आपने कर दिया पार्टी को, यही आपका जो डिलीवरी वाला डॉक्यूमेंट्स होगा और इनवॉइस वाला, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके साथ क्या होगा, हमारा मटेरियल डिस्पैच हो जाएगा बाय द रोड, बाय द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या बाय द प्लेन, किसी भी मोड से आप भेजना चाहते हैं, बाय द शिप उस मोड से जाएगा, ठीक है। अब डिलीवरी बन गया, डिलीवरी बनने के बाद ठीक है हम कहां जाएंगे, एआर इनवॉइस पे, एआर इनवॉइस अब उसकी बिल बनेगा, आपने डिलीवरी तो डिस्पैच तो किया तो बिल बनेगा ना, तब तो पार्टी पेमेंट करेगा, तो उसका बिल बनाएंगे, अकाउंट वाले बिल बनाएंगे, अकाउंट वाले यहां आएंगे, इस कस्टमर को सिलेक्ट, कस्टमर को सिलेक्ट किया, यहाँ से चूज करने के बाद वो क्या करेगा, जो अभी लेटेस्ट डिलीवरी हमने बनाया है इस कस्टमर का, उस डिलीवरी को उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन रहा है, आप क्वेश्चन से भी ले सकते हैं, ऑर्डर से भी ले सकते हैं, ब्लैंकेट एग्रीमेंट, ठीक है, स्टॉक और ई डिलीवरी, किसी से भी आप बिल बना सकते हैं, स्टॉक ट्रांसफर हुआ उससे भी बिल बन सकता है, ठीक है। सपोज दैट आपकी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर हो रही है, तो उसके लिए हम ऑर्डर नहीं बनाते हैं, उसमें स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, और उस केस में क्या है कि जब आपका मटेरियल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, आप ही की कंपनी है, दो कंपनी है, एक नोएडा में है, दूसरी दिल्ली में है, तो जब जाएगी तो गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि बिलिंग के थ्रू ही जाएगी, विदाउट बिलिंग का आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अपने को क्या बनाना है, यहाँ पे डिलीवरी से बनाना है। ये डिलीवरी हमने सिलेक्ट किया, सेम प्रोसेस है जैसे आपने देखा था, चूज फिनिश, अगर टोटल करना है तो ड्रॉ ऑल डाटा, अगर कस्टमाइज करना है, पार्टिकुलर आइटम का बिल बनाना है, पांच में से तीन ही का बनाना है तो कस्टमाइज करेंगे, यहाँ पे आप फिनिश करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या चेंज करना है, नहीं करना है, नो टू ऑल कर दीजिए टेक्स्ट को, ठीक है, ये आ गया सारा डाटा। अगर सारे का आपको बिल बनाने हैं तो तुरंत आप इसको एड कीजिए, आपके बिल बन जाए। अगर इसमें से दो आइटम कम करने हैं, दो ही आइटम का बनाना है, तो राइट क्लिक करके जो रो आपका डिलीट रो करके ऑप्शन आता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आता है, अभी तक आपने देखा होगा फ्रेट का कहीं भी नहीं आया था डिलीवरी पे, यहाँ पे आता है फ्रेट आपका बिल पे, यहाँ पे आए फ्रेट में, ठीक है। सपोज दैट इस आइटम को जो फ्रेट लग रहा है वो लग रहा है कितना, 500 लग रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 500 पुट कर दिया। अब इस 500 पे क्या लग रहा है, 500 पे टैक्स भी लगेगा, तो हम वो टैक्स कोड लगा लेंगे, यहाँ से टैक्स कोड सिलेक्ट कर लेते हैं कि 12% या 18%, जो भी आपका टैक्स कोड लग रहा है फ्रेट पे, आप उस फ्रेट को उसको टैक्स को सिलेक्ट कर दीजिए, ये आपका टैक्स है, हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 92 रुपीज देखिए टैक्स हो गया, 500 ये हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया,
590 रुपीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप जैसे ही अपडेट करेंगे आपका फ्रेट यहाँ पे लग के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेट में वैल्यू 500 और 19 रुपीज था, ये जो टैक्स अमाउंट है उसमें चला आया। तो पहले टैक्स था उसमें 19 रुपीज बढ़ गया है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि पहले कितना था, क्योंकि मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ इसको तो आपको पता चल जाएगा। ये मैंने हटाया तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो अमाउंट। अब देखिए टैक्स घट गया होगा 90 रुपीज, 322.80। अब जैसे ही हम इसमें फ्रेट लगाएंगे 500 का तो ये अपने आप ये देखिएगा टैक्स अमाउंट उसमें उठा के ले आएगा। ये हो जाएगा आपका 500 हमारा फ्रेट लग गया और 18% क्या हो गया, 18% हमने इस पर टैक्स लगा दिया। तो 590 रुपीज जैसे आपने अपडेट किया ये देखिए टैक्स अमाउंट इसमें बढ़ गया और 500 फ्रेट लग गया। अब ये आपका कंप्लीट बिलिंग हो चुका है इतने का। अब जैसे ही आप इसको एड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एआर इनवॉइस बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा अब ये पूछ रहा है कि क्या इस पे विथहोल्डिंग टैक्स लगाना है, विथहोल्डिंग टैक्स मतलब टीडीएस, क्या टीडीएस भी कटेगा क्या? अब ये पूछ क्यों रहा है जरा सा इसको मैं बता रहा हूँ। विथहोल्डिंग टैक्स इसलिए पूछ रहा है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये देख रहे डब्ल्यू टैक्स लेवल यस बना हुआ है और ये यस क्यों बना है, हमने क्या कर रखा है इस पार्टिकुलर कस्टमर पे जाके हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है। जिस दिन मैंने बीपी बनाया था उस दिन आपको बताया था ये कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, अकाउंटिंग में जाते हैं, अकाउंटिंग में जाने के बाद टैक्स में जाते हैं, टैक्स में जाते हैं ये सब्जेक्ट विथहोल्डिंग टैक्स, इसको हमने चेकआउट कर रखा है। इसको जब चेकआउट कर देंगे और ये कर लेंगे एक्रुएल कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे कि इस पार्टिकुलर पार्टी पे कौन सा टैक्स पोर्ट लगना है, तो ये दोनों हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको अपडेट कर देंगे और अपडेट करने के बाद इस पे क्या होगा, बिल पे टीडीएस आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो वहां यस दिखा रहा था अब वो पूछेगा कि कितना परसेंट का आपको कोट लगाना है टीडीएस का। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एड करने जाएंगे आपसे पूछेगा, आप पर्टिकुलर कोड सिलेक्ट करेंगे तो टीडीएस अपने यहाँ पे जैसे आए यहाँ पे कोड उठाया, ये 3% हमने बता दिया कि भाई ये जो है हमारा ये 3% लगेगा इस पे। इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या कर देगा, इस पार्टिकुलर बिल पे टीडीएस भी लगा देगा। अगर आप नहीं सिलेक्ट करेंगे उसको बाईपास कर देंगे तो टीडीएस नहीं लगेगा। जैसे ही आप इसको यस यू, अब यहाँ पे देखिए आप जैसे ही इसको यस करेंगे ये आपका आइटम, अच्छा विथहोल्डिंग टैक्स अमाउंट अभी लाया नहीं है क्यों, क्योंकि वो कोड हमें लगता है कुछ कोड में मिस्टेक्स होंगे क्योंकि कंपनी और इंडिविजुअल का दोनों बनते हैं, अगर वो कंपनी वाले होंगे तो आना नहीं चाहिए, इंडिविजुअल नहीं आना चाहिए, उसको देख लेते हैं क्या कहना है। उसमें बिल में आना चाहिए था विथहोल्डिंग टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स जीरो है तो मैं उसको चेक करता हूँ कि क्यों नहीं लगा, वैल्यू क्यों नहीं उठा के लाया, तो उसको देख लेते हैं कोडिंग वगैरह जो कोड बने होंगे उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगे, अभी चेक किए लेते हैं। ये एक्रुएल हो गया, ये आ गया ट्रांसपोर्ट कोड 3% लगा हुआ है, ठीक है टैक्स इंफॉर्मेशन जैसे बना हुआ है, इसी का डुप्लीकेट बना के देखता हूँ तो पता चल जाएगा। ये तो आपका एयर इंडक्स बन चुका है, ठीक है मैं उसी का डुप्लीकेट बना रहा हूँ, चेंज नहीं करेगा ये, बस मैंने बोले तुम बनाओ, ठीक है सेम वही कस्टमर मैंने ले लिया। ये अब ये बोल रहा है नो मुझे नहीं चेंज करना है, एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको एड करते हैं तो विथहोल्डिंग टैक्स आनी चाहिए। यहाँ पे आप जैसे ऐड करेंगे तो ये कोड लाया, ठीक है कोड लाने के बाद जब हमने ये सिलेक्ट किया तो ये वैल्यू आया 2690, ठीक है टैक्स वैल्यू आ तो रहा है इसमें, ठीक है ठीक है इसको अपडेट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए विथहोल्डिंग टैक्स ये आया ना यहाँ पे, ये आ रहा है ये आ गया इसमें, मतलब उस पहले वाला कोड हमने सिलेक्ट किया था उसमें कुछ मिस्टेक्स है इस वजह से नहीं आ रहा था। तो अब ये हमारा एआर इनवॉइस बन जाएगा।
तो उस तरह से हमारा टीडीएस भी लग जाता है, हमें अलग से कहीं टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। तो अब हमारा क्या बन गया, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको इसका रिलेशनशिप मैप देखना है कि क्या क्या बना है, तो आप बैक आइए, ठीक है। ये आपके इन्वेस्ट जो हमने बाद में बनाया टीडीएस के साथ, इससे पीछे वाला ये था जो हमने पहले बनाया था जिसमें टीडीएस नहीं लगा था, खुद हमने सिलेक्ट किया था लेकिन टीडीएस नहीं लगा, ये था। इसका रिलेशनशिप मैप देखते हैं, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप मैप, ये बताएगा कि क्या क्या इसमें टोटल प्रोसेस हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले क्या बता रहा है, सेल्स ऑर्डर ब्लैंकेट एग्रीमेंट से हमारा ऑर्डर बना था, ब्लैंकेट एग्रीमेंट रिलेशनशिप मैप में नहीं आता, ठीक है। सेल्स ऑर्डर अभी ओपन है, क्यों सेल्स ऑर्डर ओपन है, क्योंकि हमने डिलीवरी बनाया था टोटल आइटम का नहीं बनाया था, उसमें जो आइटम इन्वेंट्री में नहीं था उसको हमने क्या किया था, डिलीट मार दिया था, छोड़ दिया था, इसीलिए अभी देखिए सेल्स ऑर्डर ओपन है। फिर हमने क्या किया, सेल्स ऑर्डर के बाद डिलीवरी किया, डिलीवरी करने के बाद उसी पार्टिकुलर जितना आइटम था डिलीवरी का सबका हमने क्या कर दिया, एआर इनवॉइसिंग बना। तो जैसे एआर इनवॉइसिंग बना वैसे ही क्या हो गया, ये डिलीवरी क्लोज हो गया। अगर यहाँ पे हम पार्शियल आइटम का डिलीवरी किए होते तो ये भी डिलीवरी अभी ओपन दिखा रहा होता। जैसे ही इस टोटल आइटम का सेल्स ऑर्डर का डिलीवरी बन जाएगा तो सेल्स ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, टोटल डिलीवरी आइटम का जब एआर इनवॉइस हो जाएगा, बिलिंग हो जाएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा। अब आप लोग को मैंने अभी जनरल एंट्री एआर इनवॉइस का नहीं दिखाया था, उसका दिखाया था ना, तो अब आप देखिए इसका जनरल एंट्री जो कि आपको क्लियर कर देगा वहां पे क्या था, जो आपका कॉक्स अकाउंट था गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो क्या रहा था, वहां पे डेबिट हुआ था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो पार्टी है, जो कस्टमर है, वो क्या हो गया, वो डेबिट हो गया, ठीक है। ये आपका टैक्स अमाउंट लगा है, ये आपका रेवेन्यू है, यानी कि सेल्स वाला, अब पेट ऑफ रेवेन्यू एंड मिसेलेनियस एक्सपेंसेस, यहाँ पे ये गड़बड़ जा रहा है ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सेल्स रेवेन्यू जो ये आप में आया है, सेल्स रेवेन्यू के पैरेलल में इतना ही अमाउंट आपको वहां पे क्रेडिट हुआ था, ठीक है। तो ये जो सेल्स रेवेन्यू है ये कॉक्स होना चाहिए था, लेकिन कॉक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे ही वो पैरेलल में यहाँ पे आना चाहिए था और उसके बाद ये रेवेन्यू चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक अकाउंट नहीं है, तो सोर्स रेवेन्यू जा रहा है, तो आपका रेवेन्यू अकाउंट तो हिट कर रहा है, ठीक है। जो फ्रेट लगाया, फ्रेट भी आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो राउंड अप लगाते हैं वो इसमें आया है। यहाँ पे एक और अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आपका वहां पे क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन और उसके पैरेलल में फिर आपका परचेज अकाउंट चल रहा है, ये क्रेडिट होता, वो आपका वहाँ डेबिट है तो वो क्रेडिट होता, और परचेज अकाउंट जो होता वो आपका सॉरी सेल्स अकाउंट जो, जैसे ये सेल्स अकाउंट है, तो यहाँ पे थोड़ी सी अकाउंटिंग की गड़बड़ी है, ये चेक करना पड़ेगा कि क्यों गड़बड़ी है, ठीक है। क्योंकि वो सैंपलिंग नहीं तो क्या होगा, आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट वहाँ जो डिलीवरी में हिट किया था वो आपका स्टैंडिंग ही रहेगा, वैसे ही दिखाता रहेगा, वो नील नहीं होगा, वो नील होना चाहिए। जैसे ही एआर इनवॉइस बन गया उसको खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे चल रहा है, तो इस तरह से आपका एआर इनवॉइस बन गया। आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो कुछ क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, फिर हम लोग चलेंगे बैंकिंग। हेलो, ओके सर, हाँ ठीक है सर, बढ़िया सर। हाँ नहीं, आपसे एक चीज जरा, एक चीज बताइए, जो अकाउंटिंग के केस में आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट यूज करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं सर, करते हैं, तो बट वो डायरेक्ट नहीं जाता है उसका, वो तो फाइनली नलीफाइड हो जाता है ना, जब आप इसको रिकंसिलेशन जब करते होंगे तीन महीना एक महीना जिससे भी, तो वो तो नलीफाइड करते होंगे, उसको खत्म करते होंगे। नहीं 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 सर, बेसिकली नॉर्मल केसेस में, अदर देन सैप के केस में, हम डायरेक्टली सेल बुक जो प्राइस हमारी है उसके ऊपर बुक कर लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स जब हम बैलेंस शीट जब फाइनल करते हैं या प्रॉफिट जब निकालते हैं तब हम निकालते हैं, परचेज प्लस जो है डायरेक्ट कॉस्ट हमारी क्या क्या है वो है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो स्टैंडिंग रहता है, यही है आपके केस में? हाँ, हाँ। अच्छा, और उससे आप ये निकालते हैं कि भाई कितने का हमने सेल्स कर दिए और कितने का हमारा है, कि अगर नॉर्मल अकाउंटिंग देखा जाए
तो हमारा सिंपल सा है कि भैया हम इतना का बेचे, हमारा इतने रुपए का जो है सेल हो गया है। अच्छा, तो फिर अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकाल रहा है तो फिर रेवेन्यू अकाउंट भी यहाँ यूज कर रहे हैं? रेवेन्यू अकाउंट में तो ये रेवेन्यू पूरी की पूरी आ गई ना सर। हाँ, पूरी की पूरी आ गई, तो ये रेवेन्यू अकाउंट हमारा जब आउटगोइंग पेमेंट होगा वहां पे तो रेवेन्यू अकाउंट आपका ये हो जाएगा, बैंक अकाउंट में जाके वो डेबिट हो डेबिट हो जाएगा जाएगा रेवेन्यू वो, अकाउंट। हाँ ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट फिर सैम्पलिंग रह जाएगा यहाँ हाँ इधर रेवेन्यू उधर अकाउंट ही। जीरो हो जाएगा। हाँ, रेवेन्यू जीरो हो जाएगा तो सही है, तब अकाउंटिंग इसका सही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स से सोल्ड से ये पता चल गया कि जो भी आपका कॉस्ट जो सोल्ड के लिए आपने जो बनाया था पार्ट के लिए वो उसका कितना है, सो आपने आपकी अकाउंटिंग के बेस में ये पता चल जाए कितने अमाउंट का आपने सेल्स के लिए आइटम बना के आपने सेल्स किया, डिलीवरी जब वहां से उतर गया और रेवेन्यू अकाउंट आपका यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो वहां पे जाके डेबिट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा वहां पे जब बिलिंग होगा। तो ठीक है, सब सस्ता ही चल रहा है अकाउंट, मैं कंफ्यूज हो गया था, सही था। हाँ ठाकुर साहब, आदित्य जी हाँ जी सर, क्लियर सर। अरे ठाकुर जी बताइए। सो गए? नहीं हाँ भाई, हाँ बताइए ठाकुर साहब, सर। कुछ पूछना है? नहीं सर, पूछेंगे तो नहीं, करेंगे सो गए क्या? लगता यार तुम्हें कंफ्यूजन होना चाहिए था है आप? विकास, किसको? तुम्हें कंफ्यूजन इसमें थोड़ा सा होना चाहिए था। लगता है हम ज्यादा अच्छा लेकिन बताने लगे ठाकुर नहीं, साहब। एक्चुअली क्या है सर, नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है, हम तो हमारी जो सोच चलती है वो अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट पे चलती है, तो हमें समझने में दिक्कत नहीं होगा ज्यादा। लेकिन ठाकुर चूंकि साहब को ये, भी नहीं हो रहा है, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है कि मैं कितना अच्छा बताने लगा हूँ। हाँ मैं वही ठाकुर वही देख रहा हूँ मैं। साहब, निंदिया आएगी सब ले जाएगी। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे ठाकुर साहब, आप एनालिस्ट ही बनना रहना चाहते हैं। ये चलिए, सर टेक्निकल बनेगा, टेक्निकल। हाँ ये अब हम लोग देख लेते बैंकिंग, तो फिनिश करते हैं इसको, ठीक है ठीक है। जी। ओके, अब आते हैं हम लोग बैंकिंग पे, आ जाते हैं। तो अब ये इसकी बिलिंग हो चुकी है, बिलिंग हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है अब वो क्या करेगा, अपना बिल लेके कहाँ जाएगा, अकाउंट में, भैया पैसा दो, मटेरियल तुमने लिया है, तो वो क्या करेगा, पैसा देगा। ठीक है, जब पैसा देगा तो हम आएंगे बैंकिंग में, जो अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा, बैंकिंग में जाके आपका इनकमिंग पेमेंट होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, कंपनी को पैसा आ रहा है, तो इनकमिंग पेमेंट में आ गया। इनकमिंग पेमेंट में आने के बाद वो क्या करेगा, जो हमारा कस्टमर कोड है जैसे अभी तक सिलेक्ट करते आए हैं, उस कस्टमर को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ही वो कस्टमर को सिलेक्ट करेगा, उस पार्टिकुलर कस्टमर के नाम पे जितने भी बिल होंगे वो सारे बिल यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, आप इस बिल के या फिर जिस बिल का आपका पेमेंट लेना है, ठीक है, उस बिल को आप, अभी अभी हमने ये बिल बनाया था 81 रुपीज विथ होल्डिंग टैक्स, जो हमने सेकेंड में बनाया था जिसपे कोड लग गया था, और ये फर्स्ट वाला क्या था जिसपे कोड नहीं, तो एक्चुअल बिल कौन सा हमें पेमेंट लेना है, इसका पेमेंट लेना है। ठीक है, तो ये बिल हमने सिलेक्ट किया, जैसे ही हमने ये बिल सिलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे ये अमाउंट आ गया, भैया तुम्हें इतनी अमाउंट लेनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पे आएंगे, ये हमारा जो पोर्टली है इस पोर्टली पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट मीन्स पे आ गया। अब आपको किस चीज से पेमेंट लेनी है, चेक से लेनी है, बैंक में ट्रांसफर करनी है, कैश से लेनी है या क्रेडिट से लेनी है, सारे प्रोसेस। चेक से लेनी है तो सबसे पहले उसका ड्यू डेट आ ही गया, उसमें अमाउंट कितना है वो अमाउंट डाल देंगे, आप बैंक नेम ले लेंगे, ब्रांच आ जाएगा, अकाउंट, चेक नंबर, सब उसमें चेक नंबर डालेंगे आप मैनुअली कि क्या है, ये सब डाल देंगे, ऐड कर देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, बैंक ट्रांसफर के केस में आएंगे तो ट्रांसफर का डेट, किस डेट में आप वो जो बैंक ट्रांसफर कर रहा है वो डेट क्या है, कुछ रिफरेंस डालना चाहते हैं डाल दीजिए, यहाँ पे आप कंट्रोल बी फॉर बॉम्बे करेंगे तो वो अमाउंट डाल दीजिए, उसका ओके कर दीजिए, पेमेंट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का केस अभी तक किसी क्लाइंट के पास हुआ नहीं है, हम लोग क्रेडिट कार्ड टाई अप करते भी नहीं है, कोई करवाता भी नहीं इंडिया में, आउट ये हो सकता है फॉरन कंट्री में चलता होगा, अपने यहाँ नहीं चलता है। ठीक है, कैश के केस में आप जो भी जीएल अकाउंट है, कैश अकाउंट, आप उसको सिलेक्ट करिए, यहाँ से आइए, आप यहाँ पे कैश, कैश पेमेंट तो चलता नहीं इंडिया में, आपको पता है भाई, भी होगा या तो चेक से या फिर अकाउंट से मेजर अमाउंट, तो कैश अमाउंट आप यहाँ पे कंट्रोल बी करेंगे, ये अमाउंट आ गया। ये अगर आपको कुछ
बैंक चार्ज लगता है तो चार्ज डालिए, नहीं लगता है तो आप इसको ओके कर, ठीक है, ओके किया। अब यहाँ पे आने के बाद कुछ रिमार्क्स इसमें डालने हैं तो रिमार्क कीजिए और फिर इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको ऑलवेज रिमेम्बर रखिएगा, जब भी हम कभी भी बिल से पेमेंट लेते हैं तो वो बिल एट द सेम टाइम पे क्या हो जाता है, हमारा रिकनसाइल हो जाता है। इसको रिकनसाइल करने की बाद में जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप जनरल एंट्री इसका देखना चाहते हो, ये देखिए इसका जनरल एंट्री के अकाउंट इफेक्ट क्या जा रहा है, कैसे अकाउंट क्या हो गया, हमारा डेबिट हो गया और जो पार्टी है जितेंद्र कुमार वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्योंकि उसने पेमेंट किया है तो वो क्रेडिट हो गया और बैंक अकाउंट कैश अकाउंट में हमारा पैसा गया तो वो डेबिट हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आप बिल से पेमेंट लेंगे, ठीक है, तो उस बैलेंस को आपको रिकंसाइल बाद में रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम पे सेट में क्या हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा और इन द फ्यूचर आप ये चाहेंगे कि उसको हमें जो हमने रिकंसाइल हुआ, जो हमारा पेमेंट हुआ उसको फिर से ओपन करें तो ओपन नहीं होगा, आपको इस इनकमिंग पेमेंट को डायरेक्ट कैंसिल ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐड कीजिए, ऐड कर दीजिए, कैंसिल का मतलब जानते होंगे अब से ये आदित्य जी, ठाकुर साहब नहीं जानते होंगे, ठाकुर साहब के लिए बता दूं कि रिकैंसाइल का मतलब क्या होता है। जैसे महीने पे, 3 महीने पे क्या करते हैं सभी कंपनियां, जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जो भी बिल हुआ उसका जो पेमेंट हुआ है, दो तरीके से होता है, एक तो पेमेंट होता है बिल से, दूसरा होता है डायरेक्ट पेमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट पेमेंट के केस में आपको रिकैंसाइल करना पड़ेगा, APDI जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे आप एपी इनवॉइस से कर रहे हैं, आप बिल से कर रहे हैं, वहां पे आपको करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। और उस रिकंसाइल को आप मैनेज भी बाद में अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन भी कर सकते हैं, जो आपका डायरेक्ट है, डायरेक्ट APDI है, लेकिन जो आपका सिस्टम से हो रहा है, बिल से हो रहा है, वो फिर मैनेज नहीं हो रहा, वहीं पर आपका रिकंसाइल। तो इस तरह से हम जब इसको एड कर देंगे तो हमारा पेमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और उस पार्टी का जो ड्यू था, जो पेमेंट आना था, वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप जाएंगे उस एपी इनवॉइस पे, जो आपका अपने एपी इनवॉइस दिया था इससे पहले, उसको अगर देखेंगे तो वो क्या हुआ होगा, अब जाके क्लोज हो गया। अभी जब आप स्टेटस देख रहे थे तो वो क्या था, ओपन था, एपी इनवॉइस ओपन था, डिलीवरी क्लोज हो चुका था, लेकिन अब जब आप देखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उसका पेमेंट हो चुका है, बिल जो था वो भर दिया कस्टमर ने, तो अब क्या होगा, इसको रिलेशनशिप मैप में अगर आप देखेंगे तो ये आपका ये कौन सा बच गया भाई, इसका तो लगता है पहले वाले का बिल हो गया पेमेंट, एक मिनट, इसमें लगा है कि नहीं देखने दीजिए, फिर तो नहीं लगा है इसमें, इसी का तो पेमेंट लिया था हमने, दूसरे का, दूसरे वाले का, अच्छा हाँ, देखिए इसका इनकमिंग पेमेंट ये क्लोज हो गया ना, ये हमारा एयर इनवर्स डायरेक्ट ही बनाया था हमने इनवर्स, तो इसका पेमेंट हमने ले लिया, वो छूट गया, ठीक है, ये क्लोज हो गया इनवर्स आपका। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, अब दिल के उसका भी हम क्लोज ही कर देते हैं तो सही रहेगा। फिर से जाएंगे उसी पे बैंकिंग में, इनकमिंग पेमेंट पे आ गए, इनकम पेमेंट पे आने के बाद टाइप किया, वो कस्टमर आ गया, कस्टमर आने के बाद हम इसको चूज कर लिए, अब देखिए इसका जो बिल है ये स्टैंडिंग दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट पेमेंट करा दी, कर दीजिए डायरेक्ट, डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट तो पहले वाला डायरेक्ट ही था ना, वो डायरेक्ट बिल था ना, नहीं बिल नहीं, डायरेक्ट पेमेंट, ऑन अकाउंट पेमेंट जिसको हम कहते हैं, अच्छा बैंक, ये बैंक ट्रांसफर ना, हां ठीक है, पहले वाला कैश से गया था ना, हाँ तो इसको मैं बैंक से करता हूँ, कोई नहीं, आज का डेट इसको नहीं, नहीं बैंक से वो नहीं सर, तो जैसे ये बिल सेलेक्ट करके हम कर रहे हैं ना, हाँ हाँ ये ऑटोमेटिक रिकंसाइल हो गई, हाँ ये तो रिकंसाइल हो जाएगा तुरंत, नहीं एक कैसे कि मान लीजिए हमें 10% पैसा मिला हुआ है, तो इससे पहले वाला पेमेंट था ना, वो आपका AR इनवॉइस से हुआ था, वो भी तो बिल से ही था ना, हाँ 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 बिल से था ना, हाँ बिल से था, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें जनरल एंट्री मारना पड़ेगा पार्टी को, मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ कैसे करेंगे, तो करके तब फिर मैं जनरल एंट्री मारेंगे ना, तो इस पार्टी का जो होगा क्रेडिट बैलेंस जाके एक्सटेंडिंग हो जाएगा,
पार्टी से हम पेमेंट ले लिए तो वो चेंज हो तो वो क्रेडिट उसका दिखाता रहेगा। अब पार्टिकुलर कोई बिल सिलेक्ट कर लेंगे, उस बिल के बेस पे उस जो आपका जनरल इंट्री मार्क के क्रेडिट किया था उसको हम बैलेंस कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट करके सरप्लस जीरो हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा। वो अभी दिखाते हैं आपको ये करके। अच्छा, मतलब कि रिकंसाइल भी वो पेमेंट के ही थ्रू होगा? हाँ, इसी के थ्रू होगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई पार्टी है ना, यहाँ पे देखिए जैसे ये पार्टी था हमारा बिजनेस पार्टनर पे, अगर उसका कुछ क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो हम उससे कर सकते हैं रिकंसाइल। चलिए रिकंसाइल का एक अलग ही सेशन रखते हैं, बिजनेस पार्टनर का दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आपका सेल्स का पूरा कंप्लीट साइकिल हो गया, क्योंकि वीडियो ज्यादा देर का हो गया है तो इसीलिए मैं सोचता हूँ क्लोज कर दूं, ठीक है। तो आपका सेल्स साइकिल कंप्लीट हो गया, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को